हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल इंजीनियर्स के अंदर। तो दोस्तों, हमने साइकिल के फ़ोन होल्डर तो काफ़ी बनाए, लेकिन हमने सोचा कि जितने भी डिलीवरी वाले बॉयज़ होते हैं और जो भी मतलब बाहर ट्रैवलिंग करते हैं, उनको बाइक के लिए भी एक होल्डर की ज़रूरत होती है। तो हमने इस बारे में सोचा और एक बाइक के लिए आज हम आपके लिए एक होल्डर बना के लेके आए हैं, जो कि काफ़ी ईजी मेथड से बन जाएगा। तो बिना देर करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी की सारी बातें हम वीडियो के बीच में करेंगे। तो भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इस होल्डर को बनाने के लिए मेटल की प्लेट ले लेनी है। पहले हम पीसीबी यूज़ करते थे, अगर आपके पास पीसीबी है तो आप पीसीबी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये मेटल की प्लेट यूज़ कर सकते हैं, जिस पे ग्लू गन जो है वो आसानी से उतर जाती है। तो ऐसे ही गाइज, हम एक मोल्ड बनाएंगे जैसे हम पहले साइकिल वाली वीडियो बनाते थे। अगर आपके पास भी साइकिल है तो आप आई बटन से साइकिल वाले होल्डर की वीडियो चेक कर सकते हैं। मोल्ड बन जाने के बाद गाइस, हम अपने पूरे मोल्ड को हॉट ग्लू से गर्म करके हॉट ग्लू को उसे इसको भर देंगे। तो एक बात का ध्यान रखें, हॉट ग्लू को अच्छे से गर्म होने दें पहले, तभी करें, और कोशिश करें कि बबल्स ना आए। बबल्स ना आने के लिए एकदम हॉट ग्लू को, जितने भी ग्लू आपकी गिरी है उसके अंदर एकदम सटा के डालें, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। इसको अच्छे से सूखने का टाइम देगा। इस सूखने के बाद देखिए कितने आसानी से ये हमारा मोल्ड जो है वो ये प्लेट्स उतर रही हैं। प्लेट्स उतर जाने के बाद हम अपने मोल्ड को भी निकाल लेंगे और इसको थोड़ी फिनिशिंग देंगे अपने कटर से, इसको थोड़ा काट पीट के। गाइज, आपको अपने एक फ़ोन का पुराना कवर ले लेना है और उस पर चार मार्किंग करनी है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि हमें इसमें जिप टाई लगानी है। ये मैं पुराने वाली वीडियो वाला ही कवर ले रहा हूँ जो साइकिल में लगाया था, तो वही यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे। आप अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो आप नया कवर लीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, और हमारे कुछ और भी वीडियोज़ हैं आप उन्हें भी चेक करिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइज, इसको हम अच्छे से पेंट कर देंगे जिससे कि अच्छी लुक आए। देखो, लुक तो हम हमेशा अच्छी बनाते हैं, आप सारी वीडियोस चेक कर सकते हो हमारी, तो हम पेंट जरूर करते हैं, बिना पेंट के मज़ा नहीं आता, क्योंकि लुक तो चाहिए। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, अभी हम दो जिप टाई यहाँ पे यूज़ करेंगे और जिप टाई से हम इसे कसेंगे। तो मैं आपको एक बात और बता दूँ, अभी सर्दियाँ हैं तो ये होल्डर सर्दियों के लिए तो बेस्ट है। देखिए, गर्मी के लिए मैं इसे अभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसे मैंने खुद ने गर्मियों में टेस्ट नहीं किया है। जो साइकिल के लिए हम बनाते थे उसमें हम एक स्ट्रैप भी लगाते थे, लेकिन इसमें स्ट्रैप लगाने की जगह नहीं मिल रही है हमें, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि सर्दियों के लिए तो परफेक्ट है। गर्मियों में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारी हॉट ग्लू होती है वो हो सकता है थोड़ी सी ढीली पड़ जाए, तो वहाँ पर रिस्क हो सकता है। तो अभी तो आप इसे सर्दियों के यूज़ करिए, आपका मैंने सर्दियों का जुगाड़ दे दिया है। गर्मी आएंगी तब तक हम कोई नया मेथड भी निकाल के लाते गाइस गर्मियों के लिए। ये देखिए गाइस, हमारा ये हो चुका है पूरा। तो फटाफट से अभी हम चलते हैं बाहर और इसे लगा के देखते हैं और थोड़ी टेस्टिंग भी करेंगे। ये अब हम चल दिए अपने सफर पे गाइस, आपको पूरा टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कोई भी इशू आपको नहीं आएगा इसके साथ, और एकदम अच्छी जगह प्लेस है गाइस। आपको नेविगेशन करनी है या किसी से बात करनी है, सब काम आप इसमें इजीली परफॉर्म कर सकते हो गाइस। तो मैं चल रहा था तो अभी मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया, तो देखिए वो भी बड़ी इजी से मैं बात कर पाऊँगा इससे। ओके, ऑडियो मैं आपको नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था गाइस। तो आप वायरलेस ईयरफोन या फिर ईयरफोन लगा के या फिर नॉर्मल स्पीकर पे करके भी, अभी मैंने देखा गाइस जितने भी डिलीवरी बॉयज़ होते हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक हाथ से ड्राइव करना पड़ता है, एक हाथ से फ़ोन रखना पड़ता है, तो वो काफ़ी रिस्की है उनके लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये मेथड यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा ये मेथड रहेगा आपके लिए।
गाइज, हमने आज की वीडियो को काफ़ी छोटा रखा है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपने सुझाव लिखिए, मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर नए हैं तो। और इसी तरीके से आपको आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। और अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भी लिखिए कि आपको नया प्रोजेक्ट चाहिए। और इसी के साथ आपसे अभी मैं आज्ञा मांगता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।